हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मतलब कॉपरेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि जो सहकार का कॉपरेशन, मतलब सहकार का वो क्या कहते हैं, कॉपरेशन। कॉपरेशन के अंतर्गत जो जो चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कॉपरेशन में पूछे आते थे थर्ड सेमेस्टर के, उस सभी छोटे छोटे क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे। कैसे आते हैं, 2 नंबर हम कैसे पूरा सॉल्व करना है छोटे रूप में, तो आज आपको हम बताएंगे। इनका बड़ा रूप भी होता है और छोटा रूप भी होता है, तो जो जो 2 नंबर में क्वेश्चन आए थे उनके लिए अपन कितना लिखना पड़े, क्या करना पड़े, उसके बारे में हम जानेंगे। आइए दोस्तों, तो फोकस करने का आगे पूर्व कर, सबसे पहला है 3R सिद्धांत क्या है। 3R सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात है, जो अपन ऋण लेते हैं उसी से, तो ऋण सिद्धांत के, ऋण के 3R सिद्धांत क्या है, संबंध है। अपन मान लीजिए कोई किसान है, किसान भाई क्या है, किसी से ऋण लेते हैं, तो कोई जो जिस संस्था से अपन ऋण लेते हैं, जिस संस्था से अपन क्या है ऋण लेते हैं, उस संस्था के बारे में बात होती है। उस संस्था, उन जिस 3 सिद्धांत, किसान में या कोई अन्य व्यक्ति में जो ऋण लेता है उस संस्था, तो वो संस्था एक 3 सिद्धांत उस व्यक्ति में देखती है जो व्यक्ति ऋण लेता है। भी कौन कौन सिद्धांत देती है ये तो हम बताते हैं। सबसे पहले रिटर्न, 3R सिद्धांत का प्रथम सिद्धांत क्या बोलता है, रिटर्न। रिटर्न है, आपने ऋण लिया, कोई भी व्यवसाय हो, किसान किसके लिए लेता है, कृषि व्यवसाय के लिए, अन्य कोई व्यक्ति होगा ऋण लेगा अपने व्यवसाय के लिए, उसी व्यवसाय के लिए। अब व्यवसाय में जो आपने पूंजी लगाई, जो ऋण लेके जो पूंजी लगाई है, अब पूंजी के अतिरिक्त और भी खर्च होते हैं, जो तमाम खर्चे निकाल कर, ठीक है ना। आप जैसे किसान है, किसान ने बीज खरीदा, बीज खरीदने के बाद उसने क्या किया, दवा ली, पानी लगाया, तमाम चीजें किसानों को लगाया, अब जो उसके बाद बेचेगा, बेचने के इन सभी को चुकाने के बाद जो आय लाभ प्राप्त हुआ, उसके अतिरिक्त आय प्राप्त हुई, वो क्या आपकी इतनी आय है कि जो आपने कर्ज लिया था क्या वो आप चुका सकते, उससे मतलब रिटर्न, क्या आप वो जो अतिरिक्त है इन तमाम खर्चों के अलावा, उन तमाम खर्चों का भुगतान करने के बाद जो पैसा बचा है, उस जो बचा है ना पैसा, पैसा का जो पैसा बचा है वो क्या है, आपने जिस संस्था से ऋण लिया है क्या उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं, इस बात से क्या आप रिटर्न कर पा रहे हो कि नहीं है, उस एक सिद्धांत पहला ये बताता है। अब दूसरा सिद्धांत क्या बताता है, 3R सिद्धांत का, रीपेमेंट कैपेसिटी। रीपेमेंट मतलब रिटर्न, क्या है रिटर्न, और क्या है कैप, रीपेमेंट पेमेंट है ना, पैसे का क्या करो रिटर्न करना है, पैसा का रिटर्न क्या करना है, पैसा का रिटर्न करना है। इसके बाद है कैपेसिटी, मतलब क्षमता, आपके जो किसान भाई जो ऋण ले रहा है संस्था से, वो संस्था देखती है उस व्यक्ति में कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्षमता है, आप जो ऋण ले रहे हैं वो चुकाने की आपके अंदर क्षमता है कि नहीं, वो चीज चेक करती है। अगर आपके पास क्या है, उस जो आपके पास है वो क्षमता देखती है कि आप पैसा चुका सकते हो, तो आपको ऋण दे देगी। अगर आपके अंदर ये दूसरा सिद्धांत अगर नहीं फॉलो होता है, आपके अंदर नहीं दिखाई देता है, तो फिर क्या करेंगे, आपको ऋण नहीं देगी। अगर आपके अंदर कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, तो आपको क्या तुरंत ऋण मिल जाएगा। इसके बाद रिक्रम, बेरिंग एबिलिटी, इसका मतलब सीधा सीधा है, आपने कर्ज लिया, कर्ज ले लिया, आप कर्ज लिया और जिस व्यवसाय में लगाया उसमें क्या है अकाल पड़ गया। क्या है अकाल, अकाल पड़ने का मतलब जो अपने किसान ने ऋण लिया, किसान ने फसल में पैसा लगा दिया बोने में, अब फसल होगी और उगते समय क्या है, कहे कहना क्या पड़ गया, बाढ़ आ गई, खूब पानी मिल जाए, फसल नष्ट हो गई, या अचानक सूखा पड़ गई, पानी नहीं बरसा, जिससे क्या है फसल पूरी नष्ट हो गई। अब नष्ट हो जाएगी तो किसान के पास क्या पैसा नहीं आएगा, तो इसी चीज को देखती है कि अगर किसान की आपातकालीन स्थिति में क्या पैसा चुकाने की अतिरिक्त क्षमता है, उसके पास क्या अतिरिक्त कोई आय है, उससे मतलब होता है, आए बात समझ में, आपके पास कोई अवेल है जो आपको निश्चित समय के लिए, निश्चित किस्त में जो आपने ब्याज लिया है चुकाने के लिए, वो चुका पा रहे हो। अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है, आपातकालीन स्थिति में वो आप
अन्य जो व्यवसाय है आपका उससे चुका सको तो आपको ऋण तुरंत मिल जाए। अगर नहीं चुका सकते या ये सिद्धांत आपका तीसरा नहीं फॉलो हो रहा तो आपको ऋण नहीं मिलेगा। आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी होना चाहिए दूसरी वाली कि आपके अगर आपत्कालीन जो व्यवसाय हो या नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाने के बाद जैसे ही आप नष्ट हो जाएगा तो आप क्या करोगे, आपका दूसरा अतिरिक्त व्यवसाय चल रहा है उससे क्या है, आपने ऋण लिया है वो उसकी किस्तें आप समय पर चुका था इस तीसरे दिन, तो आपके तीन हो गए। आपका जो अतिरिक्त पैसा बचा वो क्या है, जो आपने ब्याज लिया वो चुकाने से है। तीसरा रिटर्न कैपेसिटी, उसके अंदर क्या क्षमता है पैसे चुकाने की जो आपने ऋण लिया है। इसके बैंक एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब सीधी बात आप समझ गए हो कि आपके अतिरिक्त व्यवसाय होना चाहिए जिससे आप उसकी किस्तें, अगर आपका जो व्यवसाय पैसा लिया ऋण लेके वो खत्म हो जाता है व्यवसाय, तो अतिरिक्त जो व्यवसाय चल रहा है उससे क्या है आप किस्तें चुका सकते, ये आपके पास अवेलेबल है तो आप ऋण ले सकते। अब इसके बाद आता है कृषि। कृषि ऋण से ये दूसरा सिद्धांत बोलता है 3C सिद्धांत। ये लगातार हर वर्ष पूछे जाते हैं, लगातार हर वर्ष आते हैं ये दोनों क्वेश्चन, 100% आएंगे इस बार भी देख लेना आप। ये 3C सिद्धांत क्या है, 3C सिद्धांत क्या है, एक देखो प्रथम सिद्धांत क्या, चल जिस व्यक्ति को अपन ऋण देते हैं तो उसका सबसे पहले संस्था क्या देखती है, चरित्र देखती है, आपके अंदर ईमानदारी है, विश्वासता है, ठीक है ना, जो आप पैसा ले रहे हो उसे चुकाने की ईमानदारी है कि नहीं, इस चीज को चेक करती है, विश्वसनीय है कि नहीं है, ठीक है ना, आपके सही गुण है कि नहीं, आपकी क्या है, आपने ऋण लिया अब फिर आपको क्या होगा, मन बदल गया इसके पैसे नहीं देना, ठीक है ना, जिससे आपने लिया पैसा उसके, तो इसको भी क्या है संस्था देखती है, या गैर संस्था हो या अन्य हो, जैसे मान लीजिए कोई संस्था सरकार हो, रिजर्व बैंक हो, रिजर्व बैंक तो बड़ी बैंक हो जाती है, वो किसको देती है, सरकार हो, जैसे मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक है, ये किसानों को ऋण देती है, ठीक है ना, ये किसानों को ऋण देती है, ये देखती है, या फिर कोई आ गया संस्था हो गैर संस्था का या साहूकार, ये भी देखते हैं कि इसके पास है कोई क्षमता ममता कि नहीं है, मतलब उसकी ईमानदारी विश्वसनीयता देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है क्षमता, कैपेसिटी, आगे बस दूसरा सिद्धांत भी है, उसके पास कैपेसिटी क्षमता है कि नहीं चुकाने की, नहीं अगर उसे पैसा दे रहे, पैसा देने के बाद उसकी क्षमता ही नहीं है, पैसा ले लिया और खत्म कहानी, कुछ उसकी क्षमता ही नहीं है, पैसा लगा दिया तो सही उपयोग कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, और क्या पैसा खराब हो गया वो चुका नहीं पा, इससे क्या है वो ऋण से ग्रसित होता चला जाएगा, इस चीज को भी संस्था देखती है। पूंजी से मतलब है कैपिटल, उस किसान की परिशुद्ध संपत्ति से, जो शुद्ध उसकी संपत्ति है ना उससे मतलब है, जैसे मान लीजिए उसकी जो जमीन है, जमीन उसकी शुद्ध है ना, जो स्वयं की है ना, अगर जो उसने ऋण लिया ना अब ऋण क्या है, ब्याज उसका जो ऋण लिया है ना वो क्या है, जो पैसा में लिया वैसा खत्म हो गया, किसी कारण बस वो पैसा नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके पास जो संपत्ति है ना, परिशुद्ध संपत्ति है ना, उसके पास उपलब्ध है कि नहीं, अगर वह उपलब्ध है तो वो उसे गिरवी रखकर वो उसकी ब्याज की किस्त चुका सकता है, उससे डायरेक्ट मतलब है, ठीक है ना। आपके ऋण को जोखिम को कम करने के उपाय क्या क्या उपाय है, ये संस्था आपको ऋण कहाँ से, संस्था से लेना चाहिए, कोई गैर संस्था का मतलब अन्य साहूकार जो पड़े व्यवसाय लोग, व्यापारी लोग होते, महाजन होते, उनसे क्या लें, ऋण ना लें, क्या से लें, सरकारी संस्था से लें, कोई संस्था हो वो गलत उपयोग ना करें, ठीक है ना, जिस चीज के लिए आपने ऋण लिया हो उसका उपयोग करें, मान के चलो आपने ऋण ले लिया, आपने क्या मकान खड़ा किया तो उसके लिए उस चीज को नहीं, ठीक है ना, आपको ऐसी जगह लगाना है वो पैसा जहां से आपको आय प्राप्त हो, ना कि वहां पर आपकी जो पैसा लग गया उससे खत्म हो जाए, जैसे मान लिया आपने मकान बनाया, मकान कोई पैसा थोड़ी ना है, अपने गाँव में बना रहा वहां पर तो किराए से भी नहीं लगता, ठीक है ना। इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी वगैरह, शादी विवाह, इनमें पैसा वो न लगाए, ठीक है ना, कहाँ लगाना है, व्यवसाय, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, पंजीकृत संस्था है, जो पंजीकृत संस्था हो, गैर पंजीकृत नहीं, पंजीकृत, ठीक है ना। इसके अलावा ब्याज दर कैसी हो, कम हो। इसके बाद उद्देश्य के अनुसार प्रूफ है, जिस उद्देश्य के लिए आपने पैसा, मतलब है कि जैसे आपने ऋण ले लिया इस कृषि कार्य के लिए, किसी कार्य के अलावा क्या करोगे, उस उद्देश्य को छोड़ के आप क्या करने लगे, जमीन खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया, इन तमाम चीजों को नहीं, आपको
जिस चीज के लिए खेती के लिए ऋण लिया तो खेती करो, या अगर मान के जो परचून की दुकान खोलने के लिए लिया तो उसके उसी की दुकान खोलो। आपका उद्देश्य बदलना नहीं चाहिए, समझे ना, उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए आपने पैसा लिया उस उद्देश्य के लिए आपको कार्य करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, समझिए। इसके बाद है चुकौती क्षमता क्या है, भुगतान क्षमता। मान के चलो पैसा जिस आपने लिया है उस क्षमता को कैसे याद करते हैं, कोई संस्था है वो क्षमता क्या देखती है आपके पास, निश्चित समय आप जो पैसा ले रहे हैं वो क्या निश्चित समय में चुका पाओगे, या निश्चित किस्तों में जो किस्तें आपकी बना दी जाएंगी 10,000, 20,000, 15,000, 16,000, 50,000 जो आपकी किस्त फिक्स कर दी जाएगी, वो फिक्स किस्त आप हर महीने हर 6 माह में चुकाने की आपके पास क्षमता है, हर समय पर चुका पाओगे। ये आपका अगर उत्तर सकारात्मक अगर संस्था को मिलता है तो वो संस्था आपको क्या देती है, ऋण दे सकती है, क्या देती है, ऋण देती है। अब आ गया असुरक्षित कर्ज। असुरक्षित कर्ज क्या है, आगे ना आप क्या ले लो, गैर संस्था है, कोई संस्था नहीं, महाजनों से पैसा लिया है, व्यापारी से पैसा लिया है, इसके मां साहूकार से पैसा लिया है, ये क्या गैर संस्थागत नहीं है, ये क्या गैर संस्था है, संस्थागत नहीं है, ठीक है ना। संस्थागत जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक, ये क्या संस्थागत संस्थाएं हैं, ठीक है ना। इसके बाद किसी वस्तुओं को बंधक, ये क्या लोग महाजन होते हैं, ये व्यक्ति वस्तु को क्या बंधक रख लेते हैं, आपकी जमीन गिरवी रख ले, ठीक है ना। वो ब्याज क्या है, ब्याज दर क्या देते हैं, अधिक ब्याज दर क्या देते हैं, अधिक ब्याज दर क्या देते हैं, अधिक ब्याज दर पर आपको ऋण उपलब्ध है, जिससे क्या है आप ग्रसित होते जाते हैं, क्या तो आपकी जो जमीन बंधक कर ली वो लौटना है ना। तो ये आपका जो कर्ज है वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। असुरक्षित कर्ज कौन सा होता है, ठीक है, आप क्या है संस्थागत से ऋण लिया है वो, ठीक है ना, और किसी वस्तु को बंधक कर रहा है अगर संस्था के पास, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद ब्याज दर कैसी हो, कम हो, कैसी हो, ब्याज दर कम, ठीक है, ब्याज दर अधिक नहीं होती है, तो अपन वो क्या है संस्थागत हो और बंधक रख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ब्याज दर कम हो तो उसे क्या कहते हैं, सुरक्षित कर्ज। आगे देखते हैं सहकारी भंडार से लाभ क्या है। सहकारी भंडार, सहकारी जानते हो कई लोगों का समूह, एक साथ जुड़ेंगे बैठेंगे, कोई उद्देश्य को सोचेंगे उस पर कार्य करें, उनने उद्देश्य क्या सोचा, भंडार गृह का निर्माण करना। अब भंडार गृह का निर्माण कर सकते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति अगर भंडार गृह का निर्माण करता है तो उसे अधिक पैसा लगेगा, लेकिन कई व्यक्ति मिलकर अगर भंडार गृह का निर्माण करते हैं तो कम पैसा लगेगा, ठीक है। भंडार गृह जानते हो जिसमें आप क्या अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है, अपनी फसलों को रखने के लिए, फसल जैसे गेहूं उगाया, गेहूं की कटाई होने थ्रेसिंग होने के बाद जो गेहूं मिलेगा वो गेहूं होगा, उस गेहूं को अपन क्या उस गृह में जाके भंडार गृह में रख देंगे, अपना भंडार गृह में अपना गेहूं का सुरक्षित रहे, ठीक है। इसके कम खर्च पर फसल की सुरक्षा, कम फसल पर, कम मतलब कम खर्च पर, कैसे आपको जो गृह होते ना उसका किराया देना पड़ता है ना किसी भी अन्य, जैसे कोई प्राइवेट कहीं कोई लोग बनवा हो, अपनी फसल को सुरक्षित रखना हो, इसे कोल्ड स्टोर कहते हैं, उसमें अपन जैसे आलू वगैरह कोई भी चीजें रखे आते हैं तो आपको उसका क्या किराया देना पड़ता है, फसल रखते हैं। लेकिन जब हमारा ही भंडार गृह हो तो किस चीज का खर्च लगे, बिल्कुल नहीं, सिर्फ बनवाने का खर्च लगे ना, वो बनवाए के सब लोगों ने रखा है तो क्या है कम उस पर खर्च आया। इसके बाद व्यापारिक फसलों की उगाई, व्यापार जो अपन क्या है लंबे टाइम पर रख सकते हो, उनकी कुछ समय बाद क्या है कीमत बढ़ जाएगी। एक समय था आयकर टमाटर 150 रुपया किलो बिक रहा था, आज 5 रुपया किलो बिक रहा है, तो आज 5 रुपये किलो बिक रहा है टमाटर, तो आप इस समय क्या है भंडार गृह में शीत गृह में रख दो, जब जैसे टमाटर की कीमत बढ़ेगी किसानों के पास उपलब्ध नहीं है तो आप क्या है उस शीत गृह से बाहर निकालो और क्या है मंडियों में भेज दो, जिससे आपके पास क्या है उसकी लाभ मिल सकेगा, क्या मिलेगा लाभ, तो उसे क्या व्यापारिक फसल, प्रतिकूल मौसम में फसल की सुरक्षा, ठीक है ना। आप मान के चलो आपके पास गिरे, जैसे मान के चलो आपके पास मटर ले लो, ठीक है ना, मटर क्या है रबी वाली फसल है, अभी क्या बोएगी, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में क्या है फसल बोब जाएगी, फसल बोबने की वजह से जनवरी लगेगा, फरवरी में तो क्या फसल आएगी, फरवरी में फसल आएगी तो अपन क्या उसके बीज निकाल लेंगे और कोल्ड स्टोर में रख देंगे, कौन से शीत गृह वाले जो ठंडा कोल्ड स्टोर होगा उसमें रख देंगे, तो जैसे ही आपको इसकी फसल नष्ट हो जाएगी किसानों के पास नहीं रहेगी तब वो क्या है उसे निकालेंगे सीधे, वैसे उस
पूरी जगह उपलब्ध करा देंगे, जिससे क्या है आपको साल भर क्या है आपको क्या है मटर उपलब्ध रहती है, वो आप सब्जी बना के खाते रहते हो, ठीक है ना। तो आप पहले, अब दिवाली अपन क्या कहते हैं, दिवालिया, दिवालिया जानते हो, दिवाली किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करे। ये दिवालियापन होता क्या है, जिसे हमें हम 10 लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक से क्या लिया, ऋण ले लिया, ले लिया। हमने एक कंपनी की कंपनी का स्टार्टअप किया, तो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, चिप्स बनाना। अब चिप्स बनाना हमने स्टार्ट किया, मार्केट में क्या होगा, उस चला ही नहीं, जब चलेगा ही नहीं मार्केट में तो क्या उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्या है हमको घाटा लगेगा। अब घाटा लगे तो जो हमने पैसा किसी बैंक से लिया था वो नहीं चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे तो हमें उस बैंक, वो बैंक क्या करेगी, हमें दिवालियापन घोषित। और जो हमने पैसा लेने के लिए हमने जो जमीन लगाई थी उसे क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, और हमें क्या दिवालिया घोषित, दिवालिया घोषित हो जाने का कारण नुकसान क्या होता है, कोई संस्था पर इसके अलावा कोई आपको ऋण उपलब्ध नहीं कराती, ठीक है ना। आप जाओगे वहां पर आपकी डॉक्यूमेंट लगेंगे, और डॉक्यूमेंट जैसे ऑनलाइन करेंगे भी आपके वहां पर लिख के आ जाएगा दिवालियापन। जैसे दिवालियापन लिख के आ जाएगा तो आपको क्या, फिर वो संस्था ऋण नहीं देगी, ठीक है ना। जो सरकारी संस्था है वो कभी ऋण नहीं देगी, आपकी क्या उनकी निगाहों में क्या है, इज्जत खराब, वैल्यू खराब हो गई है, आप अपनी वैल्यू खो चुके हो, ठीक है ना। तो इस चीजों को आप समझ चुके हो, तो आगे देखते हैं, कई क्वेश्चन और रह गए छोटे, और वीक के 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम आपके हर संभव प्रयास करेंगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आपके पास पीडीएफ आ जाता है पहले से, और जो दिक्कत होती है कोई क्वेश्चन में तो वो हम आपको वीडियो में समझा देते हैं, ठीक है ना। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहिए, और दोस्तों को शेयर करते रहिए, और एक अगर भाई से प्यार करते तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।